रेडी फॉर आवर स्पॉन्सर। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी सिंपल एक कार्डबोर्ड से फोन का स्टैंड बनाया है, या फिर दोस्तों सिंपल एक प्लेन पेपर से फोन का स्टैंड बनाया है, या फिर दोस्तों क्या आपने कार्डबोर्ड की मदद से प्रिंटर बनाया है? अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको बता दूं, एक चैनल है जिनका नाम है क्रिएटर बॉय। वो बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए DIY प्रोजेक्ट्स लेकर के आते हैं दोस्तों। सिंपल चीज़ों से बहुत ही अच्छी प्रोजेक्ट्स आपको सिखाते हैं। क्रिएटर बॉय सच में एक बहुत ही ज़्यादा डिजर्विंग चैनल है जिनको ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चेक आउट क्रिएटर बॉय। अब दोस्तों चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जो कि है Xiaomi का Mi 10i लॉन्च इवेंट। जी हाँ दोस्तों, Xiaomi ने लॉन्च कर दिया इस नए स्मार्टफोन का। एंड अगर आपको स्पेसिफिकेशंस जानना है तो हमने ऑलरेडी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात किया हुआ है अपने पुराने वीडियो में, जिसमें हमने बात किया था कि क्या हो सकती है इसकी स्पेसिफिकेशंस, क्या हो सकती है हार्डवेयर, तो सब कुछ बिल्कुल ही सेम है। लेकिन उसी वीडियो में हमने बात किया था प्राइसिंग के बारे में, एंड प्राइसिंग ही एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो कि सेम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो प्राइसिंग जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे 3 या 4 हज़ार रुपये ज़्यादा है। तो अगर बात कर ले प्राइसिंग की, तो 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज आती है दोस्तों इसकी 21 हज़ार रुपये में, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज आती है दोस्तों 22 हज़ार रुपये में, एंड 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज आती है दोस्तों 24 हज़ार रुपये में। तो ये है पूरा का पूरा प्राइसिंग। एंड हमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि 17 हज़ार या 18 हज़ार रुपये तक आएगा तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं मेरे कुछ ओपिनियन कि आखिर ये स्मार्टफोन कैसा है, क्या आपको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर ये स्मार्टफोन भी ओवर प्राइज्ड है। लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वरना पैसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को मिस कर जाएंगे। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ आपको याद होगा, आज से 1.5 सालों पहले या 2 सालों पहले एक स्मार्टफोन आया था जिसका नाम था Redmi K20 Pro। एंड ये जो स्मार्टफोन था दोस्तों, ये 27 हज़ार या 28 हज़ार रुपये के आसपास में लॉन्च हुआ था, एंड उस वक्त के हिसाब से बहुत ही कमाल के स्पेसिफिकेशंस आपको दे रहा था। आपको दे रहा था दोस्तों यहाँ पे स्नैपड्रैगन 855, आपको AMOLED स्क्रीन दे रहा था, ट्रिपल कैमरा दे रहा था जिसमें 48+13 MP प्लस टेलीफोटो लेंस भी था। ये सब होते हुए दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त गोरिल्ला ग्लास 5 की बिल्ड क्वालिटी होते हुए भी दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है इसे ओवर प्राइस्ड कहा गया। एंड इसी के साथ एक और स्मार्टफोन था जो कि था दोस्तों Redmi K20, वो भी दोस्तों 22 हज़ार में लॉन्च हुआ था स्नैपड्रैगन 730G के साथ में, एंड उससे भी ओवर प्राइस्ड कहा गया, जबकि उसमें भी वो सारी चीज़ें थी दोस्तों जो कि उसे एक परफेक्ट फ़ोन बनाते हैं। एंड खास करके सबसे अच्छी चीज़, एक पॉपअप कैमरा आपको मिलता था, फुल स्क्रीन डिस्प्ले आपको मिलता था। लेकिन दोस्तों उसके 1 सालों के बाद Redmi K20 और K20 Pro को लेजेंडरी डिवाइस कहा जाने लगा। ऐसा कहा जाने लगा कि टेक रिव्यूअर्स ब्लॉगर्स बहुत ही ज़्यादा गलत किए इन स्मार्टफोन के साथ में, उन्हें ओवर प्राइस बोल करके, क्योंकि सच में आज तक दोस्तों ऐसा कोई स्मार्टफोन नहीं आया है जो उनसे कम्पीट कर पाए। एंड क्लियरली मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, ये जो Mi 10i आया है, ये भी Redmi K20 Pro को किल नहीं कर पाता है दोस्तों, उससे कम्पीट कर जाता है कुछ मामलों में, लेकिन अगर आप पूछेंगे कि क्या किल कर पाता, तो नहीं दोस्तों, Redmi K20 Pro आज भी वही है 2 सालों के बाद भी जहां वो लॉन्च डे के दिन था, यानी कि दोस्तों बिल्कुल नंबर 1 पोजीशन पे। तो यहां पे अगर बात कर ले Mi 10i के बारे में, तो मैंने Redmi K20 Pro का एग्जाम्पल इसलिए दोस्तों दिया क्योंकि इसके साथ भी वही फेथ होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो Mi 10i है वो 22 हज़ार रुपये में, 21 हज़ार रुपये में या 24 हज़ार रुपये में काफ़ी अच्छा डिजर्विंग डिवाइस है। लेकिन दोस्तों क्योंकि इसकी जो प्राइसिंग है वो चाइनीज़ प्राइसिंग से थोड़ी ज़्यादा है, मतलब चाइनीज़ प्राइसिंग 17 हज़ार रुपये में आती है एंड यहाँ 21 हज़ार रुपये से स्टार्ट होती है, इसलिए दोस्तों लोगों को अब लगने लगेगा कि यह एक ओवर प्राइस्ड स्मार्टफोन है। लोगों को नहीं दिखेगा इसमें स्नैपड्रैगन 750G है, लोगों को नहीं दिखेगा कि इसमें 108 MP का सैमसंग HM2 सेंसर दिया गया है, लोगों को नहीं दिखेगा कि इसमें आपको 120Hz की फुल HD+ पैनल मिलती है जो कि SDR10 और SDR10+ पे आता है। हालांकि दोस्तों इसमें आपको AMOLED नहीं मिलता, इसमें IPS LCD मिलता है, लेकिन लोगों को नहीं दिखेगा कि इसमें 4820mAh की बैटरी भी है, 33W का फास्ट चार्जिंग भी है, NFC भी आपको मिलता है, यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर्स भी मिलता है, कुछ हद तक वाटर रेसिस्टेंट वगैरह भी मिलता है, एंड बहुत सारी चीज़ें इस स्मार्टफोन में आपको मिल जाती है। UFS 2.2 का स्टोरेज है, LPDDR4X का रैम है, ये सब कुछ लोगों को नहीं दिखेगा। लोगों को क्या दिखेगा कि चाइनीज से 4-5 हज़ार रुपये ज़्यादा क्यों है।
क्यों है चाइनीज से ज़्यादा, बस यही सवाल रह जाएगा। एंड इसी सवाल के बदौलत काफ़ी सारे लोग ये कह देंगे कि भैया ये तो ओवर प्राइज्ड स्मार्टफोन है, इसे तो आपको बाय ही नहीं करना चाहिए। एंड ऑलरेडी दोस्तों मेरे ट्विटर पे काफ़ी सारे लोगों के ये कमेंट्स आने लगे हैं कि इससे बेहतर तो मैं रियलमी एक्स थ्री बाय कर लूँ, या फिर इससे बेहतर मैं रेडमी के 20 प्रो बाय कर लूँ, या फिर इससे बेहतर तो मैं कोई और स्मार्टफोन बाय कर लूँ जैसे कि मोटो जी 5G। एंड बिल्कुल दोस्तों आपका कहना बिल्कुल ही सही है, आप बिल्कुल ही सही चीज़ें कह रहे हो, कोई इशू नहीं है। रियल एक्स थ्री में ज़्यादा फास्ट प्रोसेसर है, मोटो जी 5G में सेम प्रोसेसर है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसिंग है, ये सब कुछ मैं मानता हूँ। एंड रेडमी के 20 प्रो तो ओवरऑल मैं मानता हूँ कि अभी तक का सबसे बेस्ट डिवाइस है उस प्राइस रेंज में। तो ये सब के आपका कमेंट आ रहा है, लेकिन दोस्तों मेरा क्या कहना है कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है उसके साथ इनोवेशन भी बढ़ते हैं, एंड ये जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है वो कोई और स्मार्टफोन भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा जी हाँ, यहाँ पे प्राइस ऐसा नहीं है कि बहुत ही लाजवाब है। मैं बिल्कुल आपको ऐसा नहीं कहूँगा कि जाओ एकदम से आंख मूंद करके बाय कर लो, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा दोस्तों, क्योंकि ये कोई पेड वीडियो नहीं है। मैं दोस्तों आपको ये कहूँगा कि जी हाँ, ये एक अच्छी डिवाइस है, इससे आप बाय कर सकते हो, एंड इसकी प्राइस भी अच्छी है दोस्तों। हाँ, थोड़ा और अफोर्डेबल होता, थोड़ा और अच्छी प्राइसिंग होता तो ज़्यादा अच्छा रहता इस स्मार्टफोन को बाय करने में। लेकिन दोस्तों अगर 1000-2000 मुझे ज़्यादा भी लग रहा है तो मैं कहूँगा इसकी बिल्ड क्वालिटी को देखते हुए, इसके फीचर्स को देखते हुए दोस्तों, इसके नई नई टेक्नोलॉजीज़ को देखते हुए मैं कहूँगा कि नहीं दोस्तों, ये जो प्राइस है ये बिल्कुल ही जस्टिफाइड है। ये जो प्राइस है दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही है जिसमें MI 10i लॉन्च किया गया है। आप चाहो तो ये बाय करो, या फिर आप चाहो तो रियलमी X3 बाय कर लो, वो भी बहुत अच्छा है। आप चाहो तो मोटो G5G बाय कर लो दोस्तों, कोई इशू नहीं। आप चाहो तो रेडमी K20 प्रो पुराना वाला बाय कर लो, मैं तो आज भी उस स्मार्टफोन को लेजेंडरी मानता हूँ दोस्तों। लेकिन कहीं से भी दोस्तों आप ये नहीं कह सकते कि ये जो डिवाइस है वो ओवर प्राइज्ड है, क्योंकि दोस्तों ये ओवर प्राइज नहीं है, ये काफ़ी हद तक अच्छी प्राइसिंग है, ये गुड प्राइसिंग है। हाँ, बेस्ट प्राइसिंग नहीं है, ज़बरदस्त प्राइसिंग नहीं है, आउट ऑफ द वर्ल्ड प्राइसिंग नहीं है, लेकिन दोस्तों एक अच्छी प्राइसिंग है, ये हमें माननी पड़ेगी। ओवरऑल दोस्तों मैं ये कहूँगा कि ये जो मीटर है एक अच्छी डिवाइस है, अच्छी लेने लायक डिवाइस है। लेकिन अगर आपको जानना है कि इसमें क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ अच्छाइयां हैं, तो प्रोज एंड कॉन्स के बारे में एक मैं सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको सब कुछ बताऊँगा। तो सबसे पहले अगर आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वरना पैसे से इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस कर जाएंगे। ये वीडियो तो ये बात तो पहले इंट्रो में बोलना था मेरे को, अभी कैसे बोल दिया। तो मुझे बोलना था दोस्तों, थैंक यू, बाय, जय हिंद।